Hello friends, I'm Dr. Ramandeep Kaur, Consultant Obstetrician and Gynecologist at Healing Hospital. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक. बहुत से पेशेंट्स मेरी ओपीडी में आते हैं एंड दे आस्क कि मैम हमारी स्किन प्रेगनेंसी में ख़राब हो रही है, क्या हम फेशियल ले सकते हैं? वी आर हैविंग ग्रे हेयर्स, क्या हम कलर कर सकते हैं? क्या आप मैनीक्योर कर सकते हो, पेडीक्योर कर सकते हो? ये छोटे छोटे सवाल लेके अपनी बॉडी या स्किन केयर के लिए दे कम टू माय ओपीडी. क्या हम जो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स है कर सकते हैं, नहीं कर सकते? सो सबसे पहले बात करें मोस्ट कॉमन वैक्सिंग. पेशेंट्स आते हैं कि क्या मैम हम प्रेगनेंसी में वैक्सिंग और बिकनी वैक्स करा सकते हैं कि नहीं? येस ऑफ कोर्स, वैक्सिंग इज सेफ इन प्रेगनेंसी. बट कोशिश करें कि हनी वैक्स या जो वैक्स आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जो केमिकल फ्री हो, वही यूज़ करें. दिस इज़ द रूल कि कोई भी नेचुरल या ब्यूटी प्रोडक्ट जो ऑलरेडी आप यूज़ नहीं कर रहे वो अपनी प्रेगनेंसी में इंट्रोड्यूस ना करें, बिकॉज इट कैन इरिटेट योर स्किन, यू कैन हैव एलर्जिक रिएक्शंस और बर्न्स. सो जो ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं एंड केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स वही यूज़ करें. सेकेंडली, बहुत से पेशेंट पूछते हैं क्या हम बेली बम्प को वैक्स कर सकते हैं? येस ऑफ कोर्स यू कैन, एंड यू कैन इवन डू योर बिकनी वैक्स. अगला मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन पेशेंट पूछते हैं कि कैन वी गेट अ हेयर कलर्ड? जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल प्री मेच्योर ग्रेइंग बहुत से लोगों की हो रही है, इनफैक्ट प्रेगनेंट लेडीज़ की भी. सो येस, यू कैन कलर योर हेयर, यू कैन गो फॉर टच अप्स, बट ऑलवेज यूज़ अमोनिया फ्री कलर्स. अमोनिया वाले कलर्स कोशिश करें कि नहीं यूज़ करें. दो हेयर डाई अपने स्किन से नहीं अब्जॉर्ब होता अनलेस अंटिल वहाँ पे बर्न्स हैं या कट्स हैं या अब्रेजन्स हैं, बट ऑफ कोर्स जो उसकी फ्यूम्स हैं विच यू इनहेल दे कैन बी टॉक्सिक फॉर यू. सो ऑलवेज यूज़ अमोनिया फ्री हेयर डाइज. सेकेंडली, कैन यू यूज़ हेना फॉर कलरिंग हेयर? येस ऑफ कोर्स, नेचुरल फॉर्म ऑफ हेना इज ऑलवेज सेफ इन प्रेगनेंसी. नेक्स्ट, केराटिन थेरेपी कैन बी टेकन और नॉट? सी, दीज आर ऑल ऑप्शनल ब्यूटी ट्रीटमेंट्स. तो कोशिश करें ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के बाद करें. जो बहुत ज़रूरी है वही आपको प्रेगनेंसी के दौरान कराना चाहिए. सो कमिंग टू द नेक्स्ट, फेशियल्स. कोशिश करें नेचुरल और फ्रूट फेशियल्स यूजली आपको लेने चाहिए, विच शुड नॉट बी फुल ऑफ केमिकल्स. केमिकल फ्री फेशियल्स अगर आप कराएंगे एंड विच यू हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग प्रीवियसली, यूज़ दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन. यू कैन डू इट एब्सोल्युटली विदाउट एनी साइड इफेक्ट. So lastly, coming to whether you can do pedicure or manicure, yes you can do it, but जब भी आप pedicure की massage लेंगे, please do it gently, बहुत harsh massage नहीं लेनी, and जो भी आप instruments use करते हैं for these procedures, they should be clean and hygienic precautions should be taken. To all the lovely pregnant ladies, अपनी body का, अपनी health का, अपनी skin का, अपने बालों का ज़रूर ख्याल रखें. You can take these treatments, but in addition, healthy diet le, khoob sara pani piye, aur positive rahe, so that you have safe and happy motherhood. Thank you.